चाइना बॉर्डर मतलब अरुणाचल साइड उतना तक भी वो अटेम्प्ट किया जाने के लिए, तुम बॉर्डर तक पहुंचा क्या? हाँ बॉर्डर तक पहुंचा है, पहुंचा है। सूरज जय, नाइस टू मीट यू, आओ बैठो। ये जो काट के रखने से तो खा ही लेता रहा, अभी काट के खत्म कर लिया, और नहीं काटेगा और काटेगा तो बाबी ने क्या आने से तो वो काटेगा, हम तो नहीं सकता है ना। खाली वही लोग काट के रखा है बस, इतो कितना के लिए पता। बाबा आप कौन तो बस्ती का? कमुनम का। कमुनम का? हाँ कमुनम का। अच्छा नहीं पहचान। हम हाफलोंग का MSC डेनियल लंगथासा बोलने वाला। ओ डेनियल लंगथासा बोलने वाला, नाम तो सुनते हो। ज्वेल को तो मालूम है, मालूम है, तो हमारा बुशुठा है। बुशुठा गॉड ब्लेस यू। ओ बाबा, के दिन में कितना घंटा पूछता? 4 बजे तक पूछता। 4 बजे? कितना बजे से? ए फजर तो मॉर्निंग तरफ में तो 8-10-11 ही मैं बोल जाता। रोज बोलता नहीं क्या? हाँ रोज तो बोलता है, समय मिलने से, बारिश नहीं देने से। नहीं बारिश तो ऐसे सरकार से तो एकदम सुंदर से घर बनाया है बोल के इधर बैठ जाता ना। Thank you so much. सूरज हम लोग का यहाँ एक अपकमिंग यूट्यूबर है, उसका पहले हैदराबाद में काम कर रहा था, लॉकडाउन का टाइम में आया ना वापस। लॉकडाउन का टाइम में वापस आया था। एडवेंचर वीडियोस मोस्टली वो बनाता है, हिच हाइकिंग करके कहाँ कहाँ वो पहुँच जाता है, चाइना बॉर्डर मतलब अरुणाचल साइड उतना तक भी वो अटेम्प्ट किया जाने के लिए। तुम बॉर्डर तक पहुँचा क्या? हाँ बॉर्डर तक पहुँचा है। पहुँचा? हाँ पहुँचा है। मतलब बॉर्डर तक पहुँचने के लिए एक आर्मी कैम्प रहता है, तो वहाँ से तो आगे जाने नहीं देता, फिर भी वहाँ से वैसे भी दिखाई देता चाइना। तो कोई चाइनीज आदमी नहीं तो चाइनीज आर्मी किसी को देखने को मिला क्या? नहीं नहीं ऐसे तो देखने नहीं मिला अभी। अभी हम लोग ये डीमा हसाव डिस्ट्रिक्ट में डाउटू हजा कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल के जगह है, उधर में है रेलवे ट्रैक का एक पार्ट है जहाँ में लैंडस्लाइड हुआ था मई में, काम चल रहा है, रिटेनिंग वॉल बना रहा है। ये जो रास्ता है ये बहुत सारा बस्ती को कनेक्ट करता है, तो आपने देखा होगा टाटा मोबाइल ऑटो वो सब ऊपर में है, वहाँ में हम लोग भी अपना गाड़ी रखा और यहाँ से अभी हम लोग पैदल चलते हैं और वो सब बस्ती में जाने के लिए आप देखो रास्ता और नहीं है, गाड़ी नहीं जा सकता है, ऑटो भी नहीं जा सकता है, बिकॉज ये देखो ये रास्ता ऐसे है। कौन था इसलिए नाम को डाउट हुआ जा? ओ ये कस है रे को ना हम नालाई वो लीनिंग हम दो हम लोग बाप वो कार में बुला तू बुला मग गिरखा थंग फिर और की बिन लोग ठहर के बुला थंग फुट दूँ मैंने ऑटो ला बसाव हटिंग बंद हो है ना दुकान हटिंग और नहीं छुपी पा
आर वो कॉन्फ्रेंस ले जी नंगलाम सिखो वो आप देख रहा है उधर में एक माँ है अपना दो बच्चा को लेके जा रहा है। तो जो मम्मी है वो बीमार हुआ था तो हॉस्पिटल में गया, लेकिन देखो बच्चा को भी लेके जाने लगता है। तो पहले जो MG लाइन था वो ऊपर से जाता था, यहाँ का लोकल बोल रहा है, तो उस टाइम में ऐसा लैंडस्लाइड का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब ये BG लाइन बनाया तो यहाँ में बहुत मिट्टी को काटा, इस साइड में पहाड़ को बहुत काटा BG लाइन बनाने में, तो वो वहाँ था सॉइल यहाँ का बेसिकली थोड़ा लूज हो गया, इसलिए लास्ट टाइम बारिश देने में यहाँ में पूरा लैंडस्लाइड हुआ यहाँ में। तो अभी क्या कर रहा है कि और भी मिट्टी काट रहा है, ये पहाड़ तो आधा तो काट दिया है, ये वाला छोटा हिल तो ये पूरा ही काट देगा होगा। तो इसको अभी यहाँ में पूरा एक रिटेनिंग वॉल टाइप, जो बड़ा बड़ा नदी का पत्थर है वो तो सब ख़त्म ही हो गया, ये नदी अभी और भी बड़ा हो जाएगा। देखो नदी जितना बड़ा होगा ये आसपास का जो पेडी फील्स है वो सब भी डेंजर में है, वो लोग भी ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। हाजी बुकमा ये पत्थर स्टॉक करने के लिए एक एरिया बना दिया है, बहुत बड़ा एरिया है। ने हमको हमारे मदर इन लॉ से सिखाया कि जो भी कोचू किनता है उसका 4-5 तो आँखी होने लगता है बोला। तो हम तो देन आई रियलाइज कि ये जो होता है ना उसका अलग अलग ग्रोथ, 4-5 तो होने से पकाने में जल्दी अच्छे से पकता है, नहीं तो जो बाकी कोचू होता है ना तो थोड़ा जितना पकाता थोड़ा कच्चा करके रहता है बीच में। ये ले लेगा और आपका करेला ले जाएगा। मोर्चा तो बहुत बड़ो बड़ो है रे, साइज तो झाल है। आज का व्लॉग थोड़ा अलग हो गया, तुम भी पूछ रहा था सूरज जो है ना कि किसे करके हम व्लॉग करता है, ऐसा ही होता है, कुछ ज़्यादा प्लान नहीं होता है। हाँ कभी कभी हम थोड़ा एडवांस में प्लान करता है कि हम ये जगह जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, वो तो उतना लेवल ऑफ प्लानिंग तो होता है, बट कभी कभी रैंडमली भी होता है, जैसे कि आज का तो एकदम रैंडम हुआ। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको मिला वो बहुत रैंडम हुआ। इसका चैनल भी आप लोग चेकआउट कीजिए सूरज जॉय, अगर इफ़ यू आर इनटू ट्रैवलिंग। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अगर और भी जानना चाहता है नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो सूरज जॉय का व्लॉग्स और उसका यूट्यूब चैनल आप लोग चेकआउट कर सकता है, बिकॉज बहुत रॉ है उसका व्लॉगिंग का स्टाइल। कोई कोई व्लॉग तो बहुत हाईफाई होता है ना, एकदम बेस्ट क्वालिटी विथ ए स्टोरी लाइन, एवरीथिंग पहले से सोच के रिसर्च करके, आपका तो मतलब एकदम रॉ है। जैसे कि हम ट्रैवल करने गया, हम जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा वही मतलब दिखा रहा है ना। नहीं हाँ वही है, वही मतलब पूरा रॉ ट्रैवलर है वही। लेकिन ओ कोई बात नहीं, यहाँ का कॉमन चीज़ है यहाँ। सो आज हम लोगों थोड़ा यहाँ का डाउटू हाजा एरिया का थोड़ा रास्ता का कंडीशन देखने को मिला। रास्ता बहुत ही ख़राब है एक्चुअली, गांव वाला लोगों को बहुत ही तकलीफ हो रहा है, और एक गांव नहीं है बहुत सारा गांव है। आज हम लोग देखा एक माँ छोटा बच्चा दो को लेके जा रहा है, वो खुद बीमार है लेकिन पैदल बच्चा लोग को लेके जा रहा है, नदी क्रॉस कर रहा है, एक बूढ़ा आदमी नदी क्रॉस करके जा रहा है, इतना एक घंटा चल के जा रहा है अपना बस्ती पहुँचने के लिए। सो यू नो कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स है वहाँ में, एक नदी को क्रॉस करने के लिए एक टू ब्रिज चाहिए, और रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के लिए एक टू ओवर ब्रिज नहीं होने से भी एक लाइन क्रॉसिंग सिग्नल क्रॉसिंग होने से एटलीस्ट थोड़ा डेंजर नहीं होगा, बिकॉज बहुत रिस्की है अभी तो।
रिवर स्टोन माइनिंग भी जो हो रहा है, पत्थर भी जो उठा रहा है, ठीक है रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो पत्थर तो चाहिए, लेकिन फिर भी वी हैव टू बी थोड़ा केयरफुल ऑल्सो। काश अगर हम लोगों ने ये बिजी लाइन थोड़ा बनाने के टाइम में केयरफुल होता रहा तो आज ये ऐसा दुर्घटना भी नहीं होता रहा, क्योंकि लोकल वहाँ का एक विलेजर ने बोला है क्लियरली, वीडियो में पहले में भी देखा है कि पहले जब एमजी लाइन चलता रहा उस समय इतना सालों 100 ईयर्स चला कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसके बाद जो थोड़ा माटी थोड़ा ज़्यादा काट दिया थोड़ा अनसाइंटिफिक हुआ, इसलिए आज ये हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये हम लोग ना कि हमें आज एक्सपीरियंस किया और हम लोग को साथ भी था आज का ये जर्नी में, रैंडमली हम लोग को मिल गया और ज्वाइन किया सूरज जॉय हम लोग को। तो आप लोग सूरज जॉय का व्लॉग भी जैसे भी आप लोग चेकआउट कीजिए, बहुत हार्डवर्किंग लड़का है, वो कंटिन्यूसली वो ट्रैवल कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, खुशियाँ बांट रहा है, अच्छा गुड वाइब्स बांट रहा है, और बहुत सारा जगह में तो डिमा हसाव को रिप्रेजेंट करके भी जा रहा है बेसिकली एज अ ट्रैवलर एंड या स्प्रेडिंग लव पीस एंड हैप्पीनेस एंड गुड वाइब्स। सो सूरज जॉय का व्लॉग डेफिनेटली आप लोग चेक कीजिए। सो थैंक यू, सी यू टुमारो।